गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण, और आज आपका टॉपिक है प्रार्थना। प्रार्थना एक कविता है जो कि फर्स्ट क्लास की बुक से ले गई है। आपके सामने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, पहले हमें इन्हें रीड करेंगे, फिर इनका मैं मीनिंग समझाऊंगी, ठीक है? और ध्यान से सुनना आप। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। इसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो भगवान से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी जो प्रार्थना है वो आप विनती है सुन लीजिए, क्योंकि हम तो छोटे बच्चे हैं और हमें किसी भी बात की कोई समझ नहीं है, हम तो नादान है। कर जोड़कर हम सब करते रोज़ तुम्हारा ही गुणगान, और हम प्रतिदिन अपने हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने अपनी जो प्रार्थना है उसका गुणगान करते हैं और आपका भी गुणगान करते हैं प्रतिदिन। वीर बने हम, धीर बने हम, पढ़ लिख कर सब बने महान। फिर आगे कहा गया है कि हम बच्चे हैं और हम पढ़ लिख कर अच्छे बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, ताकि दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करें। तो हम वीर, एक वीर और धीर दोनों बनना चाहते हैं, वो भी कैसे, पढ़ लिख कर साहसी बनना चाहते हैं। करे सदा भारत की सेवा हम, करे सदा भारत की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान। फिर कहते हैं कि हम पढ़ लिख कर वीर और धीर बनने के बाद हम हमेशा क्या करना चाहते हैं, अपनी भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, ऐसा आप हमें एक वरदान दे दिए जिससे कि हम ये सारी अपनी जो हमारी प्रार्थना विनती है वो सारी पूर्ण हो सके। ये आपकी कविता थी प्रार्थना, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम आगे करेंगे शब्दार्थ। इस पंक्ति में कितने शब्दार्थ थे वो, अब इसमें दिया गया फर्स्ट विनती। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना, ठीक है? नेक्स्ट नादान। नादान का होता है ना समझ, जिसको किसी बात की समझ नहीं होती। उसके बाद है महान। महान का अर्थ है बड़ा, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण। इसके बाद है गुणगान। गुणगान का अर्थ है गुणों का बखान, गुणों का बखान करना रोज। रोज का है प्रतिदिन। कर, कर का अर्थ है हाथ। ये आपके इन पंक्तियों में कुछ शब्दार्थ है और ये उनके मीनिंग है। अब शब्दार्थ के बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। इसमें आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ओरल में है ये, ठीक है, मौखिक। तो इसमें फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि सोच समझकर बताइए। तो आपको क्या करना है, इसमें सोच समझकर बताइए। आपको क्वेश्चन देंगे, उसके बाद आपको सोच समझकर उसके आंसर बताने, उत्तर बताने। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है कै पार्ट की बालक किस से विनती कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो इस प्रार्थना में किससे विनती कर रहे हैं? बच्चे इसमें ईश्वर, बच्चे इसमें ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। इसमें सेकंड ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक पढ़ लिख कर क्या बनना
चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं बड़े, जो बच्चे हैं वो बड़े होकर पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? इसका आंसर उत्तर है महान। जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर महान बनना चाहते हैं। अब इसमें घ जो क्वेश्चन है, बालक किसकी सेवा करना चाहते हैं? जो बच्चे हैं वो किसकी सेवा करना चाहते हैं? वो भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। जो बालक है वो भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। अब इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, इसमें सही विकल्प पर सही राइट का चिन्ह लगाइए। आपको कुछ इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें कुछ ऑप्शन होंगे, जो भी ठीक होगा उस पर आपको राइट का सही का निशान लगाना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट आपका है क, बालक हाथ जोड़कर किसका गुणगान करते हैं? ये आपका क्वेश्चन है, बालक हाथ जोड़कर किसका गुणगान करते हैं? बताइए, जो बालक है वो, इसमें आपके ऑप्शन है गुरु का, सेकंड भगवान का, थर्ड माता पिता का। इसमें आपका सेकंड ठीक है। किसका गुणगान करते हैं? भगवान का, ठीक है। तो आपको सेकंड वाले बॉक्स में राइट का सही का साइन लगाना है। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ख। ख में है कि हमारा आराध्य कौन है? इसमें आपके ऑप्शन है भगवान, सेकंड धरती, थर्ड गाय। तो इसमें आपका फर्स्ट ठीक है। क्या? भगवान, भगवान ही हमारे आराध्य है, तो उसमें ये सही का निशान लगाना है आपको, ठीक है। इसके बाद इसमें घ आपका पार्ट है, हम भारत की सेवा कैसे कर सकते हैं? ये आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, हम भारत की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है अच्छे काम करके, सेकंड पढ़ लिख कर, या फिर भगवान से। तो इसमें आपका सेकंड ठीक है, सही है। किससे? हम पढ़ लिख कर ही क्या बन सकते हैं? भारत की सेवा कर सकते हैं। अच्छे से एजुकेशन प्राप्त करने के बाद अपना पूर्ण योगदान हम समाज में, भारत माता की सेवा में दे सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर है, इस नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर आपका इसमें अब है थर्ड क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको निम्नलिखित जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने हैं। प्रश्न के इसमें फर्स्ट आपका है बालक ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें आपका फर्स्ट है कि बालक ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें जो बालक है उत्तर कि वो पढ़ लिख कर पढ़ लिख कर क्या करना चाहती है। बालक ईश्वर से क्या प्रार्थना करे कि पढ़ लिख कर सब बने महान, कि हमें वरदान दीजिए कि हम सब पढ़ लिख कर महान बन सके। इसमें सेकंड अब क्या है जो क्वेश्चन बालक वीर बनने का वरदान किससे मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं बच्चे वीर बनने का वरदान, वो उत्तर ईश्वर से। जो बालक है वो वीर बनने का वरदान ईश्वर से मांग रहे हैं कि उनको वीर बनने से हमें वरदान दीजिए। अब इसमें नेक्स्ट है गह कि थर्ड क्वेश्चन का गह पार्ट कि धीर बनने से क्या मतलब है। ये आपका क्वेश्चन है धीर बनने से क्या मतलब है। इसका उत्तर है हम बड़े होकर धैर्यवान बने। ये धीर बनने से क्या मतलब है कि हम बड़े होकर धैर्यवान बने। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसमें कि सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाना है। अब आपके सामने इस क्वेश्चन में कुछ वाक्य दिए होंगे, आपको वो बताना है ये सही है या गलत है। सही वाक्य पर सही गलत वाक्य गलत वाक्य पर रोंग गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें आपका जो फर्स्ट है क्या ये है कि बालक गुरु का गुणगान करते हैं। क्या इस प्रार्थना में बच्चे जो है वो गुरु का गुणगान करते हैं, ये सही है या गलत। ये क्या है गलत, क्योंकि बच्चे इसमें ईश्वर का गुणगान करते हैं। सेकंड है इसमें पढ़ लिख कर कर हम भारत की सेवा करें।
पढ़ लिख कर हम भारत की सेवा करें। ये था उसमें लाइन, ये वाक्य, हाँ ये बिल्कुल सही है कि बच्चे पढ़ लिख कर क्या करना चाहते हैं, भारत की सेवा है इसमें। अब है नेक्स्ट, हम भगवान से विनती करते हैं, ये सही है या गलत वाक्य? ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि हम भगवान से विनती करते हैं। इसमें लास्ट घ, हमें ईश्वर का रोज गुणगान नहीं करना चाहिए। इसमें ये लास्ट है कि ये वाक्य सही है गलत, कि हमें ईश्वर का रोज गुणगान नहीं करना चाहिए, बल्कि नहीं, हमें ईश्वर का प्रतिदिन गुणगान करते, इसलिए ये सही है। नहीं, ये हमें ईश्वर का रोज गुणगान नहीं करना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है, हमें प्रतिदिन उनका गुणगान करना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फाइव। इसमें क्या करना है, इसमें सही मिलान कीजिए। आपको इस तरफ कुछ वाक्य दिए गए और इस साइड, दोनों तरफ आपको कुछ शब्द दिए गए जो कि आपको मिलाने हैं, ठीक है? फर्स्ट विनती, सेकंड नादान, थर्ड कर, फोर्थ महान, इस सब बड़ा हाथ प्रार्थना, नेक्स्ट ना समझ। तो आपको ये मैच करने, मिलाने हैं। आपने देखा होगा ये क्या, ये शब्दार्थ में जो हमने पहले किए हैं ये वही है, तो आपको ये मैच करने, मिलान करना है। अब विनती क्या, विनती का होता है प्रार्थना, और नादान का ना समझ, कर हाथ, महान बड़ा। ये आपका जो ये आपकी कविता थी जो कि फर्स्ट क्लास से ली गई है और ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माय चैनल नेम इज़ लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। थैंक यू वेरी मच।